सो व्हाट इज अप गाइस, इट्स द बॉय पिंक पुसी 69 इज बैक विद अनदर वीडियो। हालांकि सबको पता ही होगा, लेकिन चलो एक लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। एक दिन 3-6 पर यूट्यूबर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो एक कोलैब वीडियो लाते हैं और एक थ्योरी वीडियो बनाते हैं। हमने 3 थ्योरी बनाई थी, जिसमें से हमने 2 को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया। पर पूरे 1 महीने इस थ्योरी में रगड़ने के बाद ये थ्योरी बन गई, एंड यही वीडियो उस थ्योरी का कंक्लूजन है। आई गेस तुम लोग इतने समझदार हो कि तुम लोगों ने पहला 2 पार्ट तो देख रखा होगा, जो कि RVS और लूबर के चैनल पे आया था। अगर नहीं देखा तो ऊपर एक कार्ड आया होगा एक प्लेलिस्ट का, जाकर देख लो, तुम्हें पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पार्ट 2 के एंड में लूबर ने ये एक्सप्लेन किया था कि लाफ्टेल में वन पीस नहीं है, लेकिन वन पीस को बनाने का एक तरीका है। पर वन पीस है क्या? याद है ओडिन ने अपने जर्नल में ये लिखा था कि वे लोग जब लाफ्टेल पहुंचे थे तो उनको हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया था। अब चाहे वो वॉइड सेंचुरी हो या एंशिएंट वेपन्स या फिर विल ऑफ डी। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और मे बी आई शुड से 5th रोड पॉनिक लिफ्ट लाफ्टेल में आया कहाँ से? Well, the obvious answer is Joy Boy, क्योंकि रॉजर ने वहां हंसते हुए उसका नाम लिया था। अगर सिंपल वे में बताऊं तो जॉय बॉय ने 5th रोड पाने के लिए वहां पर जान बूझ कर रखा था, ताकि किसी दिन वह खास बंदा उन 4 रोड पाने के लिए हेल्प से वहां तक पहुंचे, उस जगह जहां हर एक चीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द वन पीस। जॉय बॉय जो नहीं कर पाया वह अब आने वाला जनरेशन करेगा, जिसका लीडर वही होगा जो कि जॉय बॉय के विल को इनहेरिट करता हो, एंड द मिशन टू क्रिएट वन पीस। पर कैसे? हमें पता है कि एंशिएंट वेपन्स के पास पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का पावर है, पर क्या हो अगर इसके हेल्प से ही वन पीस को बनाया भी जा सके? रॉजर कभी वन पीस नहीं बना पाया, क्योंकि वन पीस को बनाने के लिए तीनों एंशिएंट वेपन्स चाहिए, और उस टाइम पर पोसाइडन नहीं थी। उसके लाफ्टेल जाने के बाद ही पोसाइडन पैदा हुई थी, ऑल्सो नोन एज मरमेड सिरोहोसी। और एक पोसाइडन को एटलीस्ट 15-20 लगते हैं अपने पावर्स को विलिंगली यूज करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस रॉजर वाज अर्ली, और उसे एक भयंकर डिजीज भी तो था, और इसी वजह से रॉजर आगे जाकर भी वन पीस को नहीं बना पाता। रॉजर ने यह बात खुद कही थी कि वे लोग टाइम से काफी पहले ही लाफ्टेल खो चुके थे, एंड जॉय बॉय जो नहीं कर पाया अब वो आगे की जनरेशन ही कर पाएगी, एंड यही वो रीजन है कि रॉजर को एक इतना तगड़ा मैसेज देना पड़ा, ताकि वो मैसेज सदियों तक याद रहे और फाइनली उस खास बंदे तक वो मैसेज पहुंच पाए। Now let's talk about Joy Boy. अभी तक हमें Joy Boy के बारे में क्या पता है? उसने एक apology letter लिखा था to Fishman, क्योंकि वो Fishman को पानी के ऊपर नहीं ला पाया। हमने एक giant straw hat भी देख रखा है, जो कि most likely उसका ही है। इसके पीछे का कारण है कि Roger के will को Luffy carry करता है, and Roger was the first one जो Joy Boy के treasure को खोजा था। तो it's quite possible कि Roger Joy Boy के will को carry करता था, and since Luffy और रॉजर दोनों ही स्ट्रॉ हैट को पहनते थे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जॉय बॉय भी स्ट्रॉ हैट को पहनता था। याद है ना, इम एक जाइंट स्ट्रॉ हैट को देख रहा था। हो सकता है कि वॉइड सेंचुरी के लोग उस जाइंट स्ट्रॉ हैट को अपने लीडर जॉय बॉय की याद में बनाए थे। अब हमें यह तो पता है कि जॉय बॉय फिशमैन को सरफेस पर लाना चाहता था, विच मीन्स कि मोस्ट लाइकली वह एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था जहां हर टाइप के स्पीसीज, वेदर इट बी फिशमैन, ह्यूमंस, स्काइपियंस, लूनारियंस, जायंट स्टोन टाटाज, सब एक साथ रह सके। पर आखिर वो क्या चीज़ है जो इन सब को अलग रखी हुई है अभी तक? वर्ल्ड गवर्नमेंट? नहीं, रेड लाइन। रेड लाइन एक्चुअली सबको अलग करता है, क्योंकि रेड लाइन पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए है। एज वी नो, रेड लाइन काफ़ी बड़ा है एंड अनब्रेकेबल टाइप चीज़ है, जिसके हेल्प से वर्ल्ड गवर्नमेंट सब पे कंट्रोल किए हुए है। अगर रेड लाइन ही हट गया तो सबसे पहले तो मैरी जॉयस जाएगा, एंड सबसे बढ़िया चीज़, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक साइड से दूसरे साइड के माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इससे होगा क्या कि सब एक तरह से
फ्री हो जाएंगे। फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लूफी रेड लाइन उड़ाने वाला है विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट वेपन्स। एज वी नो इस बार हमारे पास पोसाइडन भी है एंड प्लूटोन का जुगाड़ फ्रैंकी कर ही लेगा। रही बात यूरेनस की तो उसका इंतजाम भी हमारे स्ट्रॉ हैट्स कर ही लेंगे एंड इन द प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय रेड लाइन फिशमैन आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें सार्क वाली लड़की तो याद ही होगी जो कि प्रेडिक्शन कर रही थी कि फिशमैन आइलैंड को लूफी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वह चीज होना ही है जिसके बाद लूफी उनको सरफेस पर लेकर आएगा एंड जॉय बॉय के प्रॉमिस को पूरा करेगा। तो आई गेस तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि वन पीस क्या है। बेसिकली वन पीस इज द वर्ल्ड विदाउट रेड लाइन। यहां पर यह कहा जा सकता है कि वन पीस करंट टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि बीच में इतनी बड़ी सी लाल दीवार जो है। नो वंडर रॉजर लाफ्टेल में जाकर हंस रहा था क्योंकि उसने जब इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे पता चला कि वह जहां पर रह रहा था इतने सालों से, वह इतने सालों से जहां पर घूम रहा था वही एक्चुअली में वन पीस है। एंड देखा जाए तो अगर रेड लाइन नहीं रहता है तो हमारे स्ट्रॉ हैट्स में ज्यादातर लोगों के ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। नामी एक पूरे नए वर्ल्ड का मैप बना पाएगी, फ्रैंकी अपने पूरे शिप को पूरे वर्ल्ड में घुमा पाएगा क्योंकि अब रेड लाइन बीच में नहीं पड़ेगा और यही वजह से ब्रुक भी लबून से मिल पाएगा, सांजी के लिए ऑल ब्लू भी बन जाएगा एंड फाइनली लूफीज ड्रीम टू बिकम पायरेट किंग, जिसका मतलब लूफी और रॉजर के लिए था सबसे ज़्यादा फ्री होना एंड बिना रेड लाइन के यह सब पॉसिबल है। बट ऑफ कोर्स ये सब इतना इजी नहीं होने वाला है, ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक हमें नहीं पता। बट एक चीज़ तो पक्का होने वाला है और वो अभी तक होता आ रहा है कि स्ट्रॉ हैट्स इज गोइंग टू हैव एन वन हैक ऑफ एन एडवेंचर टू क्रिएट अ वर्ल्ड विदाउट रेड लाइन, डैट इज वन पीस।